नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे द टेल्स ऑफ सुनील पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे पानी पीते हैं। हालांकि आप सभी तो जानते होंगे कि कैसे पानी पीना है, पर मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूं इस वीडियो के दौरान। बहुत सारे बुक में बहुत सारा फैक्ट है कैसे पानी पीते हैं। किसी बुक में लिखा है 5 गिलास दिन में पीना चाहिए, किसी में लिखा है 10 गिलास पीना चाहिए, किसी में लिखा है 12 गिलास पीना चाहिए। ठीक है कि मान लेते हैं दिन में 10 गिलास पीना चाहिए, पर ग्लास का साइज कितना होना चाहिए ये तो किसी ने नहीं बताया। अलग अलग घरों में अलग अलग तरह के क्वांटिटी के ग्लास यूज होता है। हमें तो पता नहीं, हर घर का इक्वल तो ग्लास नहीं होता है। किसी घर में छोटे ग्लास होता है तो किसी घर में बड़ा ग्लास यूज होता है। अगर आप छोटे ग्लास में पानी पीने हो तो आप बहुत ही कम पानी पी रही हो। अगर आप बड़े ग्लास में पानी पी रही हो तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा पानी पी रही हो। तो कैसे पता चले कि कौन सा क्वांटिटी आपके लिए अप्रोप्रिएट है, मतलब सटीक है, किस क्वांटिटी का पानी पिया जाए? देखिए, उतना पानी पीजिए जितना आपको प्यास लग रहा है, जितना आप पी सकते। जबरदस्ती का 10-12 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर पानी पीने की कोई जरूरत नहीं। नॉर्मली डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि हमारे बॉडी का 75% पानी होता है। हाँ, वो तो सही है, पर उसके हिसाब से तो जबरदस्ती पानी पीना कोई गारंटी नहीं है ना। जितना जबरदस्ती आप पानी पियोगे उतना ज्यादा आपको सूसू लगेगा, आप जितना पियोगे उतना छोड़ोगे, बस वही है। तो कितना पानी पिया जाए उसके लिए एक साइंटिफिकल टर्म है, एडेक्वेट इनटेक, AI। उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है कि आपको दिन में कितना पानी पीना चाहिए। तो उसका एक नॉर्मल सा बेसिक फॉर्मूला है। पहले आप अपना वजन माप लीजिए, वेट कितना है, उसका 5%, उसका 5% आपको दिन में पानी। वजन है 60 किलो, तो मैं दिन में 3 लीटर तक पानी पीऊंगा। अगर मेरा वजन है 90 किलो तो मुझे दिन में 4.5 लीटर पानी पीना है। और ये बात भी आप समझ लीजिए, दिवाली से लेकर होली तक आपको 5% पानी पीना है दिन में। होली से लेकर दिवाली, जब हमारा गर्मी का महीना स्टार्ट हो जाएगा, तब हमें 1% ज्यादा, मतलब 6% पानी पीना है। गर्मी में हमें थोड़ा पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ता है, आपको तो पता ही होगा। तो ये पानी अगर सटीक हम पिए ठीक तरह से तो क्या क्या बेनिफिट हो सकता है? पहला बेनिफिट आप याद रखिएगा, कुछ बात को इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। पहली चीज आप याद रखिएगा, ज्यादा मत पीजिएगा। मैंने जैसे आपको बोला एडेक्वेट इंटेक में आपके वजन के हिसाब से 5% ही पानी पीना पड़ेगा आपको। दूसरी बात, चाय, कॉफी, सब्जी, राइस, कोल्ड ड्रिंक्स, अगर ये सब भी आप अगर पीते हैं तो इसमें भी पानी का मात्रा होता है, तो ये भी आपके डेली काउंट में जाएगा। तीसरी बात, पानी ना ही ठंडा पीजिएगा ना ही गर्म, पानी पीजिएगा हमेशा गुनगुना, मतलब थोड़ा सा लाइट से गर्म होगा। वो पानी सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट मेडिसिन है। कफ, कोल्ड, खांसी वगैरह ये सब अगर होता है आपको तो ये तुरंत ही छूट जाएगा आपको। दूसरी बात, पानी हमेशा बैठ के पीजिएगा, खड़े होके, सो के, लेट के नहीं, पानी हमेशा बैठ के पीजिएगा। और ये याद रखिएगा, 4 से 5 घूंट, उससे ज्यादा नहीं एक टाइम में। हाँ, ये जो 4 या 5 लीटर या दिन में 2 लीटर या 3 लीटर कंज्यूम करते हैं आप, जितना भी आपके बॉडी वेट के 5% हिसाब से, वो डिस्ट्रीब्यूट करके, मतलब आधा आधा पीजिएगा, एट ए टाइम नहीं, घुट घुट करके पीजिएगा। पांचवी बात, पानी हमेशा खाने से 45 मिनट बिफोर, पहले, और खाने से 45 मिनट बाद पीजिएगा। अगर इमरजेंसी पड़े तो बीच बीच में, खाने के बीच बीच में एक एक घुट पीजिएगा, ज्यादा नहीं। छठी बात, पानी जब पीजिएगा तो वो कुल्ला करके पीजिएगा, गॉगलिन करके। उसमें क्या होता है, हमारा जो सलीवा होता है, एक जो लिक्विड होता है हमारे मुंह से निकलता है, जो अगर वो आपको कुल्ला करेंगे तो आपका क्या होगा, पानी में वो
मिक्स हो जाएगा। वो जब पीते हैं ना आप, आपका डाइजेशन सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। उसी तरह से आप एक वेरीफाई कर लीजिए, जितने सारे बॉडी बिल्डर से रेसलर से वो पानी ऐसे ही पीते हैं, क्योंकि उनको डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। सातवीं बात, पानी पीने का सबसे बेस्ट तरीका है सुबह। बस आपको छोटी सी दिक्कत करना पड़ेगा इसमें। क्या करना पड़ेगा आपको, पहले एक तांबे का पात्र, कॉपर वेसल खरीदना पड़ेगा, वो नॉर्मल से 400-500 रुपये मिल जाएगा आपको। उसमें क्या करिएगा, रात को 1 से 1.5 लीटर पानी भर्ती कर दीजिए। सुबह उठ के आपका पहला काम है उसी तांबे पात्र से पानी पीना। वो आप भरोसा नहीं करेंगे, दुनिया में कोई मेडिसिन काम नहीं करेगा। अगर ये तांबे पात्र का पानी सुबह उठ के आप पीते हैं तो दिस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर यू। जितने सारे डिजीज है वो क्योर हो जाएगा, आराम से क्योर हो जाएगा। और जो बोलते हैं ना, पानी से, पानी हमारा एक ही दवाई है जिसमें हर एक तरह का डिजीज हमारा क्योर हो सकता है, वो है तांबे पात्र का पानी। सबसे बड़ा बेस्ट मेडिसिन है फॉर द ह्यूमन बींग्स। तो ये सब सुविधा है पानी पीने का। अगर आप इसी तरह से पानी पीते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।